हेलो स्टूडेंट आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आज के इस वीडियो में हम सी पेपर टू के मैथ्स के वो क्वेश्चन करेंगे जो कि एक जनवरी से लेकर सात जनवरी के बीच में हमें एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्ज़ाम में तो ये देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें बोला गया है रेसिप्रोकल ऑफ़ हमें यहाँ पर बताना है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा ठीक है यहाँ पर हमें दे रखा है टू वन बाई थ्री डिवाइडेड बाई थ्री बाय फाइव हमें इसका रेसिप्रोकल बताना है क्या आएगा सॉल्व करके तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल क्या होता है ठीक है तो रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल जो होता है जैसे कि अगर हमारे पास कोई नंबर है ए अपॉन में बी ठीक है तो अगर हमें को इसका रेसिप्रोकल करना है तो होगा इसका डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे मतलब बी ऊपर आ जाएगा और ए नीचे हो जाएगा ठीक है ये हो गया अब इसको सॉल्व करें तो तीन दो नीचे और एक सात सात बटे तीन हो गया डिवाइड और थ्री बाय फाइव है इसको सॉल्व करेंगे सात बटे तीन सेम रहेगा इन टू का साइन और ये पाँच बटे तीन हो जाएगा ठीक है पाँच ऊपर आ जाएगा तीन नीचे आ जाएगा तो ये हो गया हमारा पाँच सत्तः पैंतीस और तीन तीया नौ तो पैंतीस बटे नौ हमारा इसका आंसर आ गया लेकिन हमें क्या चाहिए इसका रेसिप्रोकल चाहिए तो रेसिप्रोकल हो जाएगा नौ बटे पैंतीस तो नौ बटे पैंतीस इसका करेक्ट आंसर होगा तो यहाँ पर ऑप्शन एक होना चाहिए था नौ बटे पैंतीस का तो यहाँ पर एक ऑप्शन लगा दिया नाइन बाय थर्टी फाइव ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला है अगला क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट अ रोमन नंबर इनमें से कौन सा रोमन नंबर नहीं होगा ठीक है तो इसमें से जो रोमन नंबर नहीं होगा वो होगा हमारा बी नहीं होगा क्यों क्योंकि एल जो है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये फिफ्टी को रिप्रेजेंट करता है और C जो है हमारा 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो L और C हमारा कुछ भी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा ठीक है तो अगला देखते हैं अगला है द एंगल्स ऑफ अ क्वारिलेटर आर हमें क्वारिलेटर के जो एंगल हैं उनका रेशो दे रखा है और बोला है देन फोर्टी डिग्री मोर देन ग्रेटेस्ट एंगल इज तो हमें पूछा है कि सबसे बड़ा एंगल होगा उससे 40 डिग्री बढ़ाकर एंगल कौन सा होगा ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दूँ तो ये इस तरीके से बनेगा ए बी सी और डी इनके तीन चारों एंगल का रेशियो दे रखा है तो एंगल ए हमारा हो जाएगा थ्री एक्स एंगल बी हो जाएगा फाइव एक्स एंगल सी हो जाएगा थ्री एक्स और एंगल डी हो जाएगा हमारा फोर एक्स चारों एंगल का सम क्या होता है वन थ्री सिक्सटी होता है तो थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स इक्वल टू हो गया थ्री सिक्सटी तो इसको अगर मैं ऐड करूँ तो यह आएगा फिफ्टीन एक्स इक्वल टू थ्री सिक्स ज़ीरो तो x की वैल्यू होगी थ्री सिक्स ज़ीरो बाई फिफ्टीन तो पाँच से काटा पंद्रह से काट लेते पंद्रह एक पंद्रह पंद्रह दूनी तीस पंद्रह चौकसाठ तो x की वैल्यू तो हमारी चौबीस आ गई ठीक है तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है डी है तो एंगल डी जो आएगा वो तो एंगल डी हमारा क्या आ जाएगा एंगल डी आ जाएगा हमारा फोर एक्स था तो फोर इंटू ट्वेंटी फोर तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा नाइन्टी सिक्स हो गया तो सबसे बड़ा एंगल जो है नाइन्टी सिक्स है इसमें क्या बोला है तो सबसे बड़े कोण से चालीस डिग्री अधिक है ठीक है तो कौन सा होगा चालीस डिग्री अधिक होगा तो हम इसमें क्या करेंगे चालीस जोड़ देंगे तो नाइन्टी सिक्स प्लस फोर्टी हमारा आंसर सिक्स वन थ्री तीन सौ छत एक डिग्री एंगल तो ऑप्शन में ये होना चाहिए था तो यहाँ पर 136 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है अगला देखते हैं अगला है पैरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ 44 सेंटीमीटर हुज़ हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर फाइन इट्स वॉल्यूम तो यहाँ पर ये यह बोला है कि एक सिलेंडर है उसका जो बेस है बेस का पैरीमीटर बेस हमारा सर्कुलर है तो इसका जो सरकम है वो दे रखा है तो इसका जो सर होगा टू पाई आर होता है ये दे रखा है मैं चवालीस और इसकी हाइट जो दे रखी है वो आठ सेंटीमीटर है तो पहले इसको सॉल्व करके रेडियस निकाल लेते हैं तो टू इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू आर इक्वल टू फोर्टी फोर तो चवालीस से चवालीस कटा तो आर हमारा सात सेंटीमीटर आ गया और एच कितना है आठ सेंटीमीटर है तो इसका जो वॉल्यूम है आयतन वो होता है पाई आर h तो बाईस बटे सात आर हमारा सात है तो सेवन इंटू सेवन हो गया एच हमारा आठ है इसको मल्टीप्लाई कैंसिल कर दिया बाईस को सात से करेंगे सात दुनिया चौदह एक पंद्रह वन फिफ्टी फोर इंटू एट आठ चौक बत्तीस चालीस और तीन 43, आठ और चार बारह वन टू थ्री टू इस दी करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला सवाल देखते हैं अगला है यहाँ पर हमें एक पॉलीनोमियल दे रखी है पॉलिनोमियल हमारे पास है थ्री एक्स की पावर एम माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन इसमें बुलाए इज़ इस अ बाइनोमियल देन द वैल्यू ऑफ एम कैन बी तो ये बाइनोमियल किस कंडीशन में होगी जब एम की वैल्यू हो ठीक है तो एम की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है कि ये बाइनोमियल हो जाए तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि बाइनोमियल होता क्या है बाइनोमियल वो टर्म होंगी जिसमें सिर्फ दो टर्म हों जैसे कि x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स होता है इसमें x की पावर कोई मैटर नहीं करती है ठीक है हमारे यहाँ पर टर्म दो होनी चाहिए अगर दो टर्म है तो बाइनोमियल होगी ठीक है तो यहाँ पर दो टर्म बनाने के लिए हमारे पास क्या हो m की वैल्यू अगर मैं m की वैल्यू ज़ीरो रख दूँ ठीक है तो मेरे पास ये पॉलीनोमियल जो दे रखा है ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा ठीक है इसकी वैल्यू अगर ये रखूँ जीरो रखूँ तो थ्री एक्स की पावर जीरो रखूँगा तो ये वन हो जाएगा माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन तो ये तो पूरा थ्री हो जाएगा कांस्टेंट है थ्री प्लस सेवन तो ये होगा टेन माइनस फाइव एक्स तो मतलब कि ये बाइनोमियल बन रहा है एम की वैल्यू ज़ीरो पर ठीक है अब अगर मैं एम की वैल्यू वन रख देता हूँ ठीक है तो वन रखूँगा तो ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का टू एक्स प्लस सेवन ये भी हमारा बाइनोमियल बन रहा है ठीक है लेकिन अगर मैं एक्स की वैल्यू टू रखता हूँ एम की वैल्यू टू रखता हूँ ठीक है तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन इसके आगे हम सॉल्व भी नहीं सकते ठीक है तो ये बाइनोमियल नहीं होगा तो हमारे पास किस वैल्यू पर बाइनोमियल हो सकता है जीरो पर और वन पर तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है द एरिया ऑफ अ सर्कल इज सिक्स हंड्रेड एंड सिक्स सिक्सटीन सेंटीमीटर स्क्वायर द कास्ट ऑफ फेंसिंग द बाउंड्री इज़ रुपीज फाइव फाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग तो यहाँ पर ये यह बोले एक सर्कुलर एक सर्कल है जिसका एरिया दे रखा है हमें 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है तो सबसे पहले इसका रेडियस निकाल लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर हो रखा है 616 के इक्वल तो ट्वेंटी टू बाई सेवन इन आर स्क्वायर, सिक्स वन सिक्स तो हमारे पास आर स्क्वायर क्या हो गया सिक्स वन सिक्स इंटू सेवन ऊपर और बाईस नीचे तो ग्यारह से काटा ये दो पर पाँच और छः इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा हमारा ट्वेंटी एट आ गया ठीक है ट्वेंटी एट हो गया तो आर स्क्वायर हमारा आया ट्वेंटी एट इंटू सेवन ट्वेंटी एट इंटू सेवन तो इसको मल्टीप्लाई करूँ तो कितना है सात अठ छप्पन सात दूनी चौदह और पाँच उन्नीस वन नाइन्टी सिक्स तो आर हमारा कितना हो जाएगा आर हो जाएगा हमारा ये होता है हमारा स्क्वायर रूट चौदह का फोर्टीन सेंटीमीटर तो रेडियस तो हमारे पास फोर्टीन सेंटीमीटर आ गई अब बोला है कि हमें कॉस्ट बतानी है इसकी फेंसिंग की फेंसिंग हम बाउंड्री पर करते हैं तो इसका हमें सरकम निकालना पड़ेगा पहले तो टू पाई आर इसका सरकमफ्रेंस हो गया तो टू इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू रेडियस फोर्टीन तो इस ये हो गया हमारा दो तो आ गया एट्टी एट सेंटीमीटर ये इसका सर फ्रेंस है अब जो कॉस्ट है एक रुपये दे रखी है ठीक इस तो पाँच रुपये दे रखी है एक मीटर की ठीक है तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट होगी एट्टी एट इंटू फाइव कर दिया चालीस और चवालीस 44, चार सौ चालीस रुपये इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए अगला है अगला सवाल है इन अ ट्राइंगल ऑफ द रेशो ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स आर थ्री इज टू फाइव इस टू फोर इफ़ द लार्जेस्ट एंगल इज़ एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर एक्स प्लस नाइन यहाँ पर ये यह बोला है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का रेशो हमें दे रखा है ठीक है ए बी और सी तो इसका जो रेशो है तीनों एंगल का थ्री इज टू फाइव इस टू फोर का है तो सबसे बड़ा जो एंगल है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारा जो सबसे बड़ा ये अगर मैं ए लूँ ये बी लूँ ये सी लूँ तो सबसे बड़ा एंगल जो है हमारा बी होगा ठीक है तो हमारे पास जो एंगल बी आएगा वो कितना आएगा वन एट्टी इंटू फाइव बाय इन तीनों का सम होता है हमारे पास कितना तेरह बारह ठीक है तो बारह आ गया तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं बारह कम बारह बारह छः बचा बारह पंजे साठ तो पंद्रह पंजे पिचत्तर हो गया तो एंगल बी तो हमारा पिचत्तर है मतलब कि एक्स की वैल्यू तो सेवेंटी फाइव हो गई ठीक है हमें वैल्यू फाइंड करनी है फोर एक्स प्लस नाइन की तो फोर इंटू सेवेंटी फाइव प्लस नाइन तो पिचहत्तर को चार से करा तो ये हमारा कितना जाएगा तीन सौ जमा नौ तो तीन सौ नौ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अगला है इफ़ द एनअल इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय इज़ फाइव लैक् सेवेंटी सिक्स थाउजेंड एंड हीज़ सेविंग इज रुपीज़ सेवेंटी टू थाउजेंड वट इज़ द रेशो ऑफ़ द सेविंग टू एक्सपेंडिचर तो यहाँ पर ये यह बोला है कि एक एम्प्लॉय है जिसकी इनकम जो है इनकम जो है आए उसकी जो है वो पाँच लाख सात छिहत्तर हज़ार रुपये है ठीक है और उसमें बोला उसकी जो सेविंग है सेविंग जो है वो बहत्तर है बहत्तर हज़ार ठीक है तो खर्चा कितना करता है अगर मैं माइनस करूँ ज़ीरो 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 चार ज़ीरो पाँच पाँच लाख चार हज़ार रुपये वो क्या करता है खर्च करता है मतलब ये उसका एक्सपेंडिचर है एक्सपेंडिचर हो गया ठीक है अब हमें रेशो किसका निकालना है सेविंग टू एक्सपेंडिचर सेविंग टू एक्सपेंस ठीक है तो सेविंग हमारे पास सेवन टू ट्रिपल ज़ीरो एक्सपेंडिचर है फाइव ज़ीरो फोर ट्रिपल ज़ीरो तीन जीरो तीन जीरो कैंसिल इसको काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा दो से काटा तो थर्टी सिक्स टू फाइव टू फिर इसे काटा दो से वन एट वन टू सिक्स दोबारा काटा ये नौ हो जाएगा और ये सिक्सटी थ्री नौ से काटा नौकम नौ नौ सत्ते तिरसठ तो वन इज़ टू सेवन का रेशो होगा ऑप्शन नंबर डी अगला है वट इज़ द प्रॉबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन प्राइम नंबर्स बिटवीन ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन टू फोर्टी एट हमें यहाँ पर ये नंबर दे रखे हैं इनके बीच में अभाज्य संख्या ना आने की प्रायिकता तो सबसे पहले कौन कौन से नंबर है जो उनतीस से अड़तालीस के बीच में प्राइम नंबर हैं ठीक है इसमें बोला है बिटवीन ठीक है तो इसके बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर एक तो हमारे पास ट्वेंटी प्राइम नंबर है फिर थर्टी है थर्टी सेवन हो गया उसके बाद फोर्टी वन हो गया फोर्टी थ्री हो गया उसके बाद फोर्टी सेवन हो गया तो यहाँ पर कितने हो गए प्राइम नंबर एक दो तीन चार पाँच छः ठीक है तो यहाँ पर आगे छः प्राइम नंबर हो गए और यहाँ पर कितने प्राइम जो प्राइम नंबर हैं लिख लेते हैं छः हैं तो नॉन प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे यहाँ पर टोटल नंबर जो है उनतीस से अड़तालीस तक है अगर मैं जी एक से अड़तालीस काउंट कर तो अड़तालीस हो गए इससे पहले अट्ठाईस नंबर तो है नहीं तो अट्ठाईस माइनस किया तो बीस हो जाएगा ठीक है बीस हो जाएगा यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना टोटल तो बीस है उसमें से अगर छः माइनस करा तो आगे मेरे पास चौदह तो यहाँ पर हमारे पास नॉन प्राइम नंबर तो फोर्टीन हो गए प्रोबेबिलिटी पूछी थी नॉन प्राइम की नॉन प्राइम नंबर की तो वो तो चौदह हैं और तो टोटल कितने नंबर हैं बीस है तो इसको सॉल्व करा तो सात बटे दस जो है इसका आंसर हो जाएगा अगला देखते हैं अगला है यहाँ पर पी क्यू आर हमें दे रखा है हमें पी इंटू क्यू माइनस आर इसकी वैल्यू निकालनी है तो पहले p और q को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो p हमें दे रखा है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू दे रखा है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस आर हमारा है फोर एक्स की पावर फोर प्लस फाइव वाई की पावर फोर तो इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स एक्स फोर हो जाएगा प्लस नाइन एक्स स्क्र वाई स्क्वायर अब वाई स्क्वायर को भी इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई फोर माइनस फोर एक्स फोर ठीक है और ये हमारे पास माइनस था बाहर तो ये ब्रैकेट ओपन करूँगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे फाइव वाई फोर तो अब देखिए सिक्स एक्स फोर और यहाँ पर फोर एक्स फोर तो ये टू एक्स फोर हो गया नाइन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये इलेवन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया और यहाँ पर है थ्री वाई की पावर फोर और माइनस फाइव वाई की पावर फोर तो माइनस का टू वाई की पावर फोर तो हमारे पास जो आंसर है वो होगा यहाँ पर ऑप्शन में जो है बी के साथ यहाँ पर माइनस का टू माइनस का टू वाई फोर भी होगा ठीक है तो ये इसका आंसर होगा आगे देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं ठीक है तो हमें बोला क्या हमें वैल्यू फाइंड करनी है टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड की यहाँ पर एक्स जो है मोड है वाई हमारा मीडियन है और जेड हमारा रेंज है ठीक है तो इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं नंबर्स को तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे सबसे छोटा नंबर यहाँ पर क्या है सात है उसके बाद आठ सात हो गया है उसके बाद आठ आठ के बाद जो है हमारे पास ग्यारह ग्यारह के बाद हमारे पास जो है वो क्या है वो है हमारे पास फोटीन फिर एटीन फिर ट्वेंटी ट्वेंटी हमारे पास दो बार है ठीक है ट्वेंटी हमारे पास दो बार हो गया अब इसके बाद जो नंबर आएगा वो आएगा हमारा तेईस 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 के बाद हमारे पास सत्ताईस है सत्ताईस और यहाँ पर पंद्रह भी है तो पंद्रह हमारा चौदह से पहले आएगा बाद आएगा यहाँ एक पंद्रह भी आएगा ठीक है और उसके बाद हमारे पास है बयालीस और फिर बा तिरपन ठीक है तो इसको सही से लिख लेते हैं सेवन एट एलेवन फोर्टीन फिफ्टीन 18, ट्वेंटी 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 थ्री ट्वेंटी सेवन टू और फिफ्टी थ्री तो हमारे पास जो मॉड है वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो कौन सा नंबर है ट्वेंटी है तो हमारे पास जो मॉड हो गया वो तो ट्वेंटी आ गया मीडियन होता है मिडल वाला नंबर तो बीच में कितना नंबर है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह है ठीक है तो इसके बीच में जो नंबर होंगे हमारे पास वो होंगे अठारह और बीस ठीक है तो जो मीडियन होगा इन दोनों का एवरेज होगा एटीन प्लस ट्वेंटी अपॉन में टू तो थर्टी एट बाई टू कैंसिल किया तो नाइनटीन आ गया तो मीडियन हमारा आ गया उन्नीस रेंज होता है सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे को माइनस करना फिफ्टी थ्री में से सात को माइनस किया तो फोर्टी सिक्स आ गया ठीक है ये आ गया हमारा फोर्टी सिक्स अब हमें निकालना है टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड तो टू एक्स हमारा कितना है ट्वेंटी प्लस वाई नाइनटीन माइनस जेड फोर्टी सिक्स तो ये हो जाएगा चालीस और उन्नीस माइनस छियालीस तो फिफ्टी नाइन में से फोर्टी सिक्स माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा तेरह ऑप्शन नंबर बीस का सही आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द साइड 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विथ लेंथ 14 सेंटीमीटर तो यहाँ पर वो लाइक एक ट्राइंगल है जिसकी जो साइड्स दे रखी हैं 25, 24 और 7 है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे ठीक है तो अगर ये 25 हो जाएगा सबसे बड़ा ये 24 ले लीजिए और ये 7 हो जाएगा ठीक है इसका एरिया जो है वो रेक्टेंगल के एरिया की इक्वल है तो इसका एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट इक्वल है रेक्टेंगल के एरिया के जिसका लेंथ हमें दे रखा है तो 14 इंटू बी ले लिया ठीक है तो बी हम निकाल लेते हैं ये कितना हो जाएगा ट्वेल्व ठीक है ट्वेल्व हो गया तो इसको काटा सात से सात दूनी चौदह एक और ये छः तो बी तो हमारा आ गया छः सेंटीमीटर ब्रेथ और लेंथ है हमारे पास चौदह सेंटीमीटर पूछा क्या है इसका पैरीमीटर क्या होगा तो पैरीमीटर होता है टू इंटू एल प्लस बी तो टू इंटू एल प्लस बी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बीस बीस और दो चालीस चालीस सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है हमें इसको सॉल्व करके हमें वैल्यू फाइंड करनी है थ्री वाई स्क्वायर प्लस टू वाई की तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ फाइव वाई अपॉन टू इक्वल टू ट्वेंटी फाइव बाई फोर को तो टू से कैंसिल कराइए टू हो जाएगा ठीक है फाइव से करा तो ये फाइव हो जाएगा तो हमारे पास जो y की वैल्यू आई है फाइव बाई टू आ गई हमें वैल्यू निकालनी है थ्री वाई स्क्वायर प्लस टू वाई की तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं थ्री फाइव बाई टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू फाइव बाई टू सॉल्व हो गया तो ये बचा हमारा थ्री इंटू ट्वेंटी फाइव बाई फोर प्लस फाइव तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारा इसका अगर मैं एल्सिम लूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास पिचत्तर पिचत्तर और ये बीस बटे चार तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास नाइन्टी फाइव बाय फोर मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो टू थ्री और टू आ गया और ये आ जाएगा हमारा कितना थ्री और थ्री बाय फोर ठीक है तो ये इसका आंसर होगा तो ये ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था यहाँ पर ट्वेंटी थ्री थ्री बाई फोर ठीक है ये मिस प्रिंट है आगे देखते हैं अगला है वट विल बी द यूनिट डिजिट इन तो यहाँ पर पूछा है इनका यूनिट डिजिट क्या होगा तो यहाँ पर दे रखा है ट्वेंटी थ्री की पावर थ्री प्लस थर्टी सेवन की पावर थ्री तो आपको इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आप क्या करेंगे आप यूनिट डिजिट का ही सिर्फ क्यूब निकालेंगे तो अगर मैं थ्री का क्यूब निकालता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा सत्ताईस आएगा ठीक है और यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट है तो सेवन का अगर मैं क्यूब निकालूँ तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा थ्री फोर थ्री आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर अब देखिए यूनिट डिजिट यहाँ पे सेवन आ रहा है यहाँ पे थ्री आ रहा है अगर इसको भी मैं ऐड करता हूँ ठीक है तो यहाँ पर यूनिट में तो जीरो ही रहेगा आगे चाहे कुछ भी हो इसके आगे कुछ भी हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट ही पूछा है ठीक है अगला देखते हैं अगला है द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स इज टू फोर्टी देन फाइन द वैल्यू ऑफ थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी तो यहाँ पर बोला है कि एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का सम जो है वो दो सौ चालीस है तो एक्स का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो हो जाएगा नाइन्टी माइनस एक्स और इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो जाएगा वन एट्टी माइनस एक्स ठीक है ये हो गया इनका सम जो दे रखा है नाइन्टी माइनस एक्स प्लस वन एट्टी माइनस एक्स वो दे रखा है दो सौ चालीस तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक दो सौ सत्तर माइनस टू एक्स इक्वल टू टू फोर्टी तो टू एक्स हमारा कितना आ गया थर्टी आ गया तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई पंद्रह हो गई अब एक्स तो हमारा पंद्रह आ गया पूछा क्या है हमें थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी की वैल्यू तो यहाँ पर थ्री इन फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी पंद्रह तैंतालीस माइनस बीस किया तो ये आ गया हमारे पास पच्चीस डिग्री ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है इफ़ द लेंथ ऑफ द डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ सिक्स एक्स प्लस थ्री एंड फोर एक्स प्लस सेवन दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ठीक है यहाँ पर ये यह बोला है कि एक रेक्टेंगल है रेक्टेंगल के हमारे पास दो डायगनल होते हैं और दोनों डाइगनल क्या होते हैं इक्वल होते हैं दोनों डाइग्नल हमें दे रखे हैं ये ए बी सी डी तो ए सी जो है हमारे पास सिक्स एक्स प्लस थ्री हो गया और बी डी जो है फोर एक्स प्लस सेवन हो गया ठीक है हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालूँ तो ए सी इक्वल होता है बी डी के तो सिक्स एक्स प्लस थ्री फोर एक्स प्लस सेवन तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टू एक्स इक्वल टू फोर एक्स इक्वल टू टू आ जाएगा ठीक है अब हमें वैल्यू निकालनी है सिक्स एक्स प्लस थ्री प्लस फोर एक्स प्लस सेवन की तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे सिक्स इंटू टू प्लस थ्री फोर इंटू टू प्लस सेवन तो बारह तीन आठ सात तो योग पंद्रह और ये भी पंद्रह तो पंद्रह पंद्रह तीस तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है तो ये थे हमारे पेपर टू के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक जनवरी से सात जनवरी के बीच में पूछे गए हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा थैंक यू